पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हमें बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट ना। तो हमें रिलेटिविस्टिक थ्योरी का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको ई के से लिखा है और ये बराबर है किसके, एम नॉट सी स्क्वायर के। एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ से ई की वैल्यू इसके इक्वल हो गई टू एम नॉट सी स्क्वायर। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कौन सा, ई इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम की वैल्यू चाहिए। तो यहां से अगर हम इस वैल्यू को रख देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, टू एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर। ये बनेगा फोर एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर फोर। तो यहां से पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी थ्री एम नॉट स्क्वायर सी फोर और पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बन जाएगी थ्री एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यहां से आप पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री एम नॉट सी। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी, पी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट थ्री एम नॉट सी। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड सी बाय रूट टू, फाइंड द फेज वेलोसिटी ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या बतानी है हमें, फेज वेलोसिटी बतानी, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी जो होती है, फेज वेलोसिटी वो किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन के, वो तो यहाँ पर है नहीं। एक रिलेशन और होता है हमारे पास, वी पी इक्वल्स टू वी जी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो जो वी जी होता है, वी जी जो है वो किसकी वेलोसिटी भी होती है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दो तो ये कितना हो गया सी अपॉन रूट टू, ये हो गया सी स्क्वायर। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी अंडर रूट टू सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो। ये डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन। व्हाट इज आवर थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 8 के टी ऑन पाई एम। तो यहां पर आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू 8 के, के की वैल्यू क्या 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23, टी की वैल्यू हो जाएगी 273 ऑन पाई 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे वेलोसिटी की, जो आएगी 1.03 इंटू 10 पावर 5। अब हमें निकालना है लैम्ब्रा, तो लैम्ब्रा इक्वल्स टू हो जाएगा एम ऑन सी एवरेज। एच की वैल्यू 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 34, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 और सी एवरेज जो आपने निकाला है 1.03 इंटू 10 पावर 5। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7.08 nmi, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो अप्रोच करेगा लगभग इसको, ये 7.5 आएगा आंसर, ये ऑप्शन गड़बड़ है, 7.08 आना चाहिए, करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर विच द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वेवलेंथ। कॉन्स्टेंट वेवलेंथ जो होती है वो होती है एच अपॉन एम नॉट सी, एम नॉट का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसके बराबर है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, तो ये किसके बराबर है लैम्डा सी के बराबर, यानी कि जो एच अपॉन पी है वो किसके इक्वल हो गया एच अपॉन एम नॉट सी। तो यहां से पी जो है उसकी वैल्यू आ गई एम नॉट सी। पी क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी डी एम नॉट सी। तो ये वाला मास रिलेटिविस्टिक फॉर्म में लिख दें हम एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये वी एज इट इज, ये एम नॉट सी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हमारे पास बना वी बाय सी
और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों साइड करो स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये बनेगा 2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1 बाई 2, वी अपॉन सी इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट, तो वी की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन रूट 2 जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ वेव, लाइट यानी कि इसकी बात चल रही है फोटोन की बात चल रही है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है होता है एच अपॉन पी, तो मोमेंटम हो गया उसका एच अपॉन लैम्डा, ये फॉर लाइट। और डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर बात करें तो वो भी फॉर्मूला क्या है एच अपॉन पी, तो ये पी का ये फॉर्मूला यहाँ रख, तो ये लैम्डा ऊपर चला गया एच से एच कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया लैम्डा, करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ही डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड सेम क्वेश्चन है, उसमें लैम्डा बोला था यहाँ पर बोल दिया 6580, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 6580। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एसोसिएटेड विद अ न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, कि फॉर्मूला ये होता है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, यहां पर हम लिखते हैं 2 एम और ई की जो वैल्यू है ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है और ये ई होता है, यहाँ ई की वैल्यू हम लेते हैं थर्मल केस में वो किसके बराबर लेते हैं के टी, तो ये फॉर्मूला बनता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, आइंस्टीन की थ्योरी से लेते हैं, तो 2 एम एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन और ये हो जाता है के टी, तो अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये बनता है 30.83 अपॉन अंडर रूट टी, तो अब टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ये होगा 30.83 आर्मस्ट्रॉन्ग में आता है ना, और यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करके रखोगे तो ये आएगा 300, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि बी ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड्स फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, अनसर्टेनिटी रिलेशन में से किसके लिए सही है, तो होल्ड्स फॉर बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दोनों ही तरह के पार्टिकल्स के लिए सूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज ई इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद टाइम, तो आपको ये पूछा है डी लैम्डा अपॉन डी टी की वैल्यू बताएं, कैसे करेंगे आप, लैम्डा जो है उसकी वैल्यू होती है एच अपॉन पी, तो आपको निकालना है डी लैम्डा अपॉन डी टी, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी टी, पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर होता है फोर्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो गई स्मॉल ई इंटू कैपिटल, ये वैल्यू आ गई डी पी अपॉन डी टी, और सिर्फ अगर आपको पी की वैल्यू निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी ई ई इंटू पी, तो ये दोनों वैल्यूज हम रख देंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो ये बनेगा डी लैम्डा अपॉन डी टी माइनस एच अपॉन पी की वैल्यू ये हो गई, तो ये ई कैपिटल ई और टी इसका स्क्वायर dp अपॉन डी टी जो है उसकी वैल्यू हो गई स्मॉल ई इंटू कैपिटल, यहां से बना डी लैम्डा अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एच ओवर, ये हो गया ई स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, यहां से ई कैंसिल और कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बना एच अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई और टी स्क्वायर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फेज वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव वीपी इज रिलेटेड टू वेव वेक्टर वीपी इज इक्वल्स टू सी के पावर माइनस 1/2, तो वीपी जो है वो हमें गिवन है सी अपॉन अंडर रूट के,
वीपी की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन के, तो यहां से इन दोनों को रिलेट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू निकल गई, ओमेगा इक्वल्स टू हो गया सी अंडर रूट के। मैं पूछा है ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वीजी, तो किससे लिखते हैं वीजी से, तो ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है डी ओमेगा अपॉन डी के, तो डी ओमेगा अपॉन डी के करना है, यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है वीजी, तो सी एज इट इज रहेगा, रूट के का करोगे तो ये होगा वन अपॉन टू और ये के नीचे आ जाएगा, तो सी अपॉन अंडर रूट के किसके बराबर है वीपी, तो यहां से वीजी की वैल्यू किसके बराबर आ गई वीपी अपॉन, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो 12.27 आर्मस्ट्रांग में निकलेगा ये भी, और एनर्जी जो है वो आपको वोल्ट, यहाँ पर ये एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 आर्मस्ट्रांग, लिख भी देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आएगा 120, तो ये जो आंसर है ये आता है एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आंसर तो आएगा 112 PM आएगा, पर है ना अब क्योंकि आंसर ऑप्शन में ही नहीं है तो इसको लगभग आप लिख लो 100, नियर बाई आंसर ले लिया हमने नियर बाई, तो इसलिए आंसर ये लगा देंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी, काइनेटिक एनर्जी का उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, फॉर्मूला हमने बनाया था 2m उसके बाद के ई, यहां पर बोला है कि आपको ये वैल्यू लेनी है, के ई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 3/2 kT, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, ये फॉर्मूला बनेगा 3m और उसके बाद kT, ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है मास ऑफ न्यूट्रॉन, के की वैल्यू टी की वैल्यू एच की वैल्यू, तो उसके सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 1.5 आंसर, ये आप इतना सा काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ सरफेस वेव इन अ लेक हैव फेज वेलोसिटी गिवन बाय, वेव वेलोसिटी जो फेज वेलोसिटी है वो गिवन है ए लैम्डा अपॉन 2π, तो ग्रुप वेलोसिटी पूछिए, तो वी जी, वी जी इक्वल्स टू होता है वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा, तो वी जी वीपी की वैल्यू कितनी है ए लैम्डा अपॉन 2π माइनस लैम्डा, डी वीपी करना है, डी वीपी करना है तो ये बनेगा ए अपॉन 2, ए अपॉन 2 और ये बन जाएगा 1/2π लैम्डा, तो यहां से बनेगा ए लैम्डा अपॉन 2π माइनस ए अपॉन 2π और लैम्डा अपॉन 2π और ये पावर 1/2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी जी की वैल्यू 1/2 ए लैम्डा ओवर 2π, तो ये वीपी हो गया, तो यहां से वी जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा वीपी अपॉन 2, ठीक है ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वीपी अपॉन 2, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस hypothesized that the linear momentum and wavelength of a free massive particle are related to one of the following constant, Planck constant. फिर next question पे आइए, if the de Broglie wavelength of an electron proton are equal, यदि दोनों की जो wavelength है equal है electron और proton की, तो ये क्या हो गया h upon mp vp, h upon me vp, एच से एच कैंसिल हो गया, तो अगर हम वी ई अपॉन वी पी निकालना चाहें तो ये किसके बराबर होगा एम पी अपॉन एम ई, ये हमेशा होगा ग्रेटर देन वन, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमेशा प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रिलेटिव स्टिक, देखो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा जाएगा, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आते तो है नहीं, फिर भी अगर आ जाए तो करना कैसे, तो यहां आपको E की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है 1 MeV 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V²C²m0²C^4, यहां से आप E की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये लैम्डा H अपॉन P करेंगे,
इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी रेंज आएगी 1.4 के आसपास आंसर आएगा, तो इस 1.3 से 1.6 की रेंज में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे डी ब्रोगली वेवलेंथ और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। ठीक।